आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चंबा में हिमाचल पथ परिवहन निगम के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कर्मचारियों के देनदारी का भुगतान ना किए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कर्मचारी नेता शंकर सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार कर्मचारियों की देनदारियों का भुगतान नहीं कर रही है और साथ ही चंबा डिपो में लाखों रुपए के घोटालों में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि चंबा डिपो के कुछ अधिकारियों ने कर्मचारियों के एरियर ग्रेजुटी और ओवरटाइम के पैसों में लाखों का गबन किया है, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। चंबा के मेहनतकश कर्मचारियों के गाढ़े खून पसीने की उस कमाई को, इन शेरों की कमाई को गिद्दड़ बिल्लों ने खाई। यहाँ पर परिवहन के अधिकारियों ने लाखों रुपए की उस धनराशि को हड़प किया है। ये 30,29,846 रुपए का जो घोटाला अभी जो जानकारी में आया है वो उनके खाते में गया है, लेकिन एक कर्मचारी को टर्मिनेट कर दिया, यहाँ पर उसको सस्पेंड करके उसको रोड़ू भेजा। 3 साल उसके बाद भी नौकरी करता रहा, लेकिन परिवहन प्रबंधन की आंख नहीं खुली।